दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है टीपू द सुल्तान ऑफ शिवालिक्स। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि टीपू को डार्टिंग करने की बहुत सारी कोशिशें की गई थी। दो बार डॉक्टर मलिक से डार्ट बनवा के टीपू को मारा गया था, उसके बावजूद टीपू पर कोई असर नहीं हुआ था। और तीसरी बार जब डॉक्टर मलिक से कहा गया कि डार्ट बना दीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि आज के लिए काफी हो गया। टीम वापस आ गई, अगले दिन फिर जाने की तैयारी थी। इसके आगे की कहानी अब सुनते हैं। अब उस रात जब विस्की के दौर चल रहे थे, तो डिस्कशन का एक ही मुद्दा था कि आखिर डार्ट से टीपू बेहोश क्यों नहीं हुआ। लेकिन खाली बहस चलती रही, कोई नतीजा निकला नहीं। डॉक्टर मलिक ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे इस ढीठ हाथी को मैं कॉलर पहनवा के रहूंगा। यह सुनकर सारे लोग सोने के लिए अपने बेड पर चले गए और गहरी नींद के आगोश में आ गए। अगले दिन सुबह 5 बजे उठे, लेकिन क्योंकि इन्हें याद था कि कैसे इन्हें भीड़ ने घेर लिया था, इन्होंने प्रतीप नगर जाना अवॉइड कर दिया। डायरेक्ट पहुंचे टी स्टॉल, और इनकी किस्मत अच्छी थी कि जो टी स्टॉल का मालिक था, उसने 15 मिनट पहले ही टीपू को रोड क्रॉस करते हुए देखा था। इन्होंने फौरन वायरलेस पे खबर दे दी कि सारी टीम्स रेडी कर दी जाए, और 7:30 पर सारे लोग मिले चाय की दुकान पर। अब इस बार डार्टिंग टीम में रामशरण और मेघराज बैठे प्रेम कली पर, और उसे ट्रेस करने के लिए जंगल में गए। डॉक्टर गोयल और क्रिस्टी विलियम्स अरुंधति हथिनी की पीठ पर बैठे, इनके पास थी कॉलर और जरूरी सामान, ये पीछे पीछे गए। करीब 15-20 मिनट तक जंगल में चलने के बाद इन्हें मोतीलाल की विसिल की आवाज सुनाई दी। ये संकेत था कि नजर आ चुका है टीपू। ध्यान से देखा तो लैंटाना की झाड़ियों के पीछे सिर नजर आया टीपू का, जो कि देख रहा था प्रेम कली की तरफ, और शायद सोच रहा था कि प्रेम कली मेरे प्रेम में रोज आ जाती है यहां पर। अब जो डार्ट टीपू को मारे गए थे, उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो देख रहा था कि यह हथनी रोज आ जाती है मेरे पास और उसके ऊपर कोई बैठा होता है। अब क्रिस्टी विलियम्स ने झुककर अपने महावत से कहा कि अरुंधति को दूसरी साइड ले जाओ, ताकि टीपू का ध्यान अरुंधति की तरफ जाए और जो प्रेम कली के ऊपर बैठी हुई डार्टिंग टीम है, उसे अपना काम करने का मौका मिल जाए, क्योंकि जब तक टीपू उनकी तरफ देख रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि टीपू उनका काम तमाम कर देगा। अब ये लोग पीछे चले, और क्रिस्टी ने महावत का डंडा लेके एक पेड़ पर मारा ताकि उससे आवाज हो। अच्छी खासी आवाज हुई, क्रिस्टी को लगा काम हो गया, लेकिन टीपू था कि सिर्फ प्रेम कली की तरफ ही देखे जा रहा था, उसने देखा भी नहीं कि आवाज कहां से आई। अब प्रेम कली को एक आर्क बनाने के लिए बोला गया, ताकि एजेटी शोल्डर शॉट ले सके, लेकिन टीपू था कि प्रेम कली को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। जैसे ही प्रेम कली आर्क बनाने चली, टीपू उसकी तरफ घूम गया, जैसे कहना चाहता हो, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान, मुझे खबर है। अब शोल्डर शॉट मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इस दैत्याकार हाथी के सामने प्रेम कली काफी छोटी थी। इधर क्रिस्टी विलियम्स बार बार डंडा मार रहे थे पेड़ पर कि टीपू भाई इधर देख, लेकिन टीपू भाई थे कि देख ही नहीं रहे थे। तभी टीपू ने सोचा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, पतली गली देखो और मोटा भाई निकल चलो पतली गली से। टीपू जैसे ही निकलने को घूमा, एजेटी को शोल्डर शॉट मिल गया, उन्होंने अपनी डार्ट गन चला दी, टीपू झाड़ियों में गायब हो गया। अब डार्टिंग टीम ने क्रिस्टी विलियम्स और उनकी टीम की तरफ इशारा किया, काम हो गया, निशाना सही बैठा है। प्रेम कली और अरुंधति ने 15 मिनट बाद टीपू को ढूंढ लिया, वो सीधे खड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद लगा कि टीपू थोड़ा लहरा रहा है, लग रहा था कि दवाई काम कर रही है। उसके बाद धीरे धीरे टीपू डगमगाने लगा, फिर अपने पिछले पैर मोड़े और जमीन पर बैठ गया। अब क्रिस्टी और उनकी टीम धीरे धीरे टीपू के उतना नजदीक गई जितना नजदीक जाया जा सकता था। वो अभी भी होश में था, उसने 2-3 बार अपनी सूंड लहराई और उसके बाद पूरी तरह से लेट गया।
उसको हल्की सी छड़ी से टैप किया गया, लेकिन कोई संकेत नहीं आया। सब लोग समझ गए कि टीपू बेहोश हो गया है। सब लोग हाथी से नीचे उतरे और अपने काम पर लग गए। काम था कॉलर पहनाने का। टीपू बहुत ही बड़े साइज का हाथी था। जब उसका मेजरमेंट किया गया तो कंधों से उसकी ऊंचाई थी 10.5 फीट। और आज की डेट तक राजा जी नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा हाथी है टीपू। डॉक्टर गोयल ने निगाह बनाई हुई थी टीपू की सांस पर। एक हाथी की सांस का साइकिल 1 मिनट का हो सकता है, क्योंकि उसकी लंबी सूंड में से सांस अंदर जाती है, फेफड़ों तक जाती है, फिर वापस आती है। तभी एक एडवेंचरस ड्राइवर था गोविंद, वो टीपू की सूंड के पास तक पहुंचा। सूंड को थोड़ा सा उठाने की कोशिश की, तभी टीपू ने सांस छोड़ी और सारी धूल गोविंद के चेहरे पर आ गई। गोविंद को लगा कि टीपू जाग गया है। उसने सूंड छोड़ी, तेजी से भागा। उस चक्कर में उसका पैर लड़खड़ा गया और लुढ़कते लुढ़कते लेंटाना की झाड़ियों में घुस गया। सारी टीम हंसने लगी और यह हंसना जारी रहा अगले 4 साल तक, जब तक गोविंद था प्रोजेक्ट में ड्राइवर। अब जब टीपू लेटा था तो जहां उसकी गर्दन थी वहां पर एक पेड़ की जड़ थी। इन्हें काफी गहरा गड्ढा खोदना पड़ा ताकि कॉलर पहनाई जा सके। समय बीतता जा रहा था, सारी टीम परेशान थी। एक तरफ से क्रिस्टी विलियम्स गड्ढा खोद रहे थे, दूसरी तरफ से रामशरण गड्ढा खोद रहा था। और मजे की बात, टीपू की बड़ी बॉडी के कारण दोनों लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। अब उसके बाद क्रिस्टी विलियम जमीन में लेट गए, अपना हाथ पूरा उस तरफ घुसेड़ा, तब जाके कहीं पहुंचा रामशरण के हाथ तक। अब कॉलर के नट बोल्ट टाइट कर दिए गए थे। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके क्रिस्टी विलियम्स ने पहली बार टीपू को निगाह भर के देखा। वो एक हैंडसम टस्कर था, उसकी एक भी हड्डी नजर नहीं आ रही थी। उसके पैरों के तलवे में बहुत सारे क्रैक्स पड़े थे। उसने बहुत सारे मीलों की दूरी तय की थी और इसका मतलब उसकी उम्र भी ठीक ठाक थी। उसकी लेफ्ट टेम्पोरल ग्लैंड से फ्लूड बाहर आ रहा था। माथे पे झुर्रियां थी, यानी उम्र तो काफी थी। जो उसका फ्लूड बाहर आ रहा था उससे काफी गंध आ रही थी। इतनी गंध थी कि वो हाथी कहीं से भी निकल जाता 10-15 मिनट तक वो गंध हवा में ही रहती। ये हाथी पूरी तरह से मस्त पीरियड में आ रहा था। हर साल हाथी 2-3 महीने मस्त पीरियड में रहते हैं। अब जब कॉलर पहनाने का काम पूरा हो गया तो डॉक्टर गोयल ने दिया एंटीडोट। अब बाकी की टीम प्रेम कली और अरुंधति पर बैठ गई, थोड़ी दूरी पर चले गए जहां से वो टीपू पर नजर रख सकते थे। लेकिन AJT एक पेड़ के पीछे छिप गए, उन्हें फोटो खींचनी थी टीपू के उठते हुए। 5 मिनट के अंदर ही टीपू उठ के बैठ गया, धीरे धीरे खड़ा हुआ और चल पड़ा जंगल की तरफ। गले में था कॉलर और जो ट्रैंकुलाइजर डार्ट था अभी भी उस पर लगा हुआ था, क्योंकि जिस साइड टीपू गिरा था डार्ट उसके नीचे ही दब गया था और इन लोगों के लिए संभव नहीं था कि उस डार्ट को निकाल पाते। अब पूरी टीम ने राहत की सांस ली क्योंकि टीपू को लग चुका था कॉलर। उसके बाद ये लोग चले रेस्ट हाउस की तरफ क्योंकि उन्हें करना था नाश्ता। अब कुछ दिनों के बाद जब टीपू पूरी तरह से मस्त पीरियड में आ गया तो उस इलाके को छोड़ के राजा जी नेशनल पार्क के अंदर चला गया, क्योंकि अब वो ढूंढ रहा था हथनी को। अब फसलों का नुकसान पूरी तरह से बंद हो गया। अब कॉलर के थ्रू जब क्रिस्टी ने टीपू को ट्रैक किया तो मालूम चला वो कई हथनियों के आसपास है जो कि उसे पसंद करने लगी। अब भले ही वो मस्त पीरियड की वजह से उस इलाके को छोड़ के चला गया था, उन आसपास के गांव में क्रिस्टी विलियम्स बन गए हीरो, क्योंकि उन्हें लग रहा था इन साहब ने उसे बंदूक मार के यहां से भगा दिया। अब कोई भी आदमी वहां से गुजरता था तो बोलता था साहब चाय पी लीजिए। रायवाला और उसके पूरे आसपास के इलाके में जहां भी क्रिस्टी विलियम्स नजर आते थे उनकी जय जयकार थी। अब क्रिस्टी विलियम्स रामशरण और गोविंद को बोलते थे, आज तो ये लोग नमस्कार कर रहे हैं, अगली सर्दियां आएंगी टीपू फिर आएगा और ये लोग हमारे खून के प्यासे बन जाएंगे। वैसे भी ये बहुत ही खतरनाक बात है, 5 टन का हाथी किसी की दीवार पर सर मारे या उसकी फसल को चट कर जाए तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। और टीपू अपनी पर्सनैलिटी की वजह से एक लेजेंड बन गया था उस इलाके में, जिस पूरे इलाके में वो वारदात करता था। क्रिस्टी विलियम्स बोलते हैं कि टीपू ने हाथियों के बारे में बहुत सारी नई बातें मुझे सिखाई।
और एक बात और सिखाई कि भले ही उसके पास पावर था, उसके बावजूद टीपू ने किसी भी इंसान को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खाया तो सिर्फ फसले। वो एक जेंटलमैन था, या यूं कहे वो था जेंटल जाइंट ऑफ शिवालिक्स। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त हुई टीपू की स्टोरी। हमारी अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।